हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ताइवान का ट्रैवल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट। ये ताइवान वीज़ा सीरीज का सेकंड पार्ट है, या आप ये कह सकते हैं कि ये ताइवान वीज़ा प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका है। जैसे कि पहले वीडियो में बोला था मैंने कि दो तरीके से आप वीज़ा ले सकते हो, पहला था स्टिकर वीज़ा और दूसरा है ये इलेक्ट्रॉनिक एंट्री परमिट, जिसको हम TAC बोलते हैं। अभी ये जो सुविधा है सिर्फ 6 कंट्रीज़ के लिए अभी ये है, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम। इन 6 देशों के पासपोर्ट होल्डर कुछ सर्टेन कंडीशंस अगर वो फुलफिल करते हैं तो उनको ताइवान का TAC यानी एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री परमिट इनको ईजिली मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। तो इस पे हम आज बात कर रहे हैं। तो अगर आप TAC ले रहे हैं तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट सेम वही है, आपके पास में वैलिड पासपोर्ट हो जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की हो जब आप ताइवान में एंट्री कर रहे हैं उसके बाद से, ओके। आपके पास में एग्जिट या ऑनवर्ड रिटर्न टिकट हो, या फेरी या कोई भी आप मीडियम से बाहर जा रहे हो उस कंट्री से, उसका प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। और तीसरा और मेन जो है कि आप ब्लू कॉलर वर्कर ना हो ताइवान के अंदर, ठीक है। ये 3 चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको फिलफिल करनी है। तीसरा है जिसके ग्राउंड पे, जिसके बेसिस पे आपको TAC मिलेगा। हर कंट्री में जैसे कि आपको पता है कि अगर आपके पास में पावरफुल कंट्रीज के वीज़ाज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, शेनेगन या EU, इन किसी भी कंट्रीज़ में से अगर आपके पास में किसी का वीज़ा, वहाँ की रेजिडेंसी या रेजिडेंट परमिट या कुछ भी ऐसा हो तो भी आपको ताइवान का TAC मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास में कोरिया और जापान इनका वैलिड वीज़ा है, या इनका आपके पास में एक्सपायर वीज़ा है लेकिन उनकी एक्सपायरी 10 साल के अंदर हो, मतलब जब आप ताइवान में एंटर कर रहे हैं तो उससे 10 साल पहले वो एक्सपायर ना हुआ हो, उस बेस में भी आप आराम से ताइवान का TAC ले सकते हैं। देखिए यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, ये देखिए, वीजा देट हम एक्सपायर लेस देन 10 इयर्स अगो, ठीक है। ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए, बाकी सब इनके अंदर सेम ही है। तो मैं अब जो TAC ले रहा हूँ, मैंने जिस बेसिस पे TAC अप्लाई किया था तो मेरे पास में साउथ कोरिया का एक्सपायर वीज़ा था, तो उस बिहार पे मैं TAC अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब आप देख लेना आपके पास में कौन सी आप कंडीशन फुलफ़िल कर रहे हैं, आपके पास में इनमें से कोई वैलिडिटी या एक्सपायर वीज़ा है, या आपके पास में जापान और कोरिया का कोई वीज़ा है। तो चलिए, ये इसकी है साइट जहां से हमें TAC मिलेगा। चेंज किया, ये है इसका पूरा फ्लो, वर्क फ्लो कैसे काम करता है। ये 6 कंट्री के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं ये TAC अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से ये अपना वीज़ा फॉर्म या TAC फॉर्म भरा, इसकी एंट्री 2 जगह जाएगी, डेटा प्रोसेसिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, अगर सब कुछ वेरीफाई होता है तो आपको एक TAC इशू कर दिया जाएगा और उसका आपको प्रिंट लेके आपको वहाँ दोनों साइड में दिखाना है। और अगर ये वेरीफाई नहीं होता तो इस केस में आपको आपकी कंट्री में जो भी एम्बेसी जहाँ है वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आइए आगे चलते हैं। ये अगेन वही सेम रूल्स, 3 चीज़ें हमें चाहिए और इसके बाद ये लास्ट वाले इशू यहाँ दे रखा है उन्होंने, सेकेंड नंबर, आप ये पढ़ लेना यहाँ पे, बाकी इसके अंदर सर कुछ भी नहीं है। कैंसिल या रिफ्यूज या वॉइड, ये वीजाज पे आपको TAC नहीं मिल सकता।
या कुछ 6 कंट्री ही आएंगे क्योंकि इन्हीं के लिए है ये। डमी डेटा है तो एक्सपायरी डेट डेट ऑफ आपका बर्थ आ गया, आपकी कौन से कंट्री में बर्थ हुआ है, कौन से आप आएंगे, आपका ब्लेंड करेंगे, ऑक्यूपेशन बिजनेसमैन, पर्पज ऑफ साइट सीइंग, होम एड्रेस आपका होम कंट्री इंडिया, कॉन्टेक्ट पर्सन आपको जो भी लिख दीजिए, ओके कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम लिखना है भाई, आप होटल कोई होटल रुकेंगे ताइपे, अब फादर तो आपको देना पड़ेगा, ये देखिए अब यहाँ ये देखिए अब ये यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे एंट्री कर रहे हैं, रेजिडेंट परमिट कार्ड नहीं है, एंट्री वीजा, हमें एंट्री वीजा के बेस पर हम जा रहे हैं, कौन सी कंट्री का है मेरे पास में तो कोरिया का है, अब ये जो वीजा का नंबर आएगा वो आपको देना पड़ेगा, और एक्सपायरी डेट तो ये मेरा एक्सपायर मान लो सपोज 13 तक वेट करेगा, ये देखिए ठीक है, तो 13 तक से ला सकते हो आप, तो मेरे पास में 23 का ही एक्सपायर है, ये कोरिया का वीजा नंबर और ये मेरे एक्सपायर हुआ डेट है, ये मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, कैप्चा डाला, सबमिट। तो ये आपका एक तरीके से टीएससी बन गया, इसको प्रिंट करना है आपको, ठीक है, ये डाउनलोड हो चुका, ये है आपका टीएससी अरविंद सोनी के नाम पे, डेट ऑफ बर्थ मेल पासपोर्ट नंबर सब देखिए। अब यहाँ एक कैच देखिए, टीएससी आपको मिलेगा मल्टीपल एंट्री का और आपको मिला है ये 3 मंथ्स का, ठीक है,
या कोटीएसी नंबर और आप 14 डेज इसमें रुक सकते हैं। ये आपका सीएमओ नंबर यहाँ आ जाएगा और ये आपका टीएसी रेडी है। तो ये टीएसी लेके आप आराम से अपना बोर्डिंग पास वगैरह ले सकते हैं। दोनों साइड में आपको टीएसी दिखाना पड़ेगा, आपकी रिटर्न टिकट आपके पास में होनी चाहिए और ऑब्वियसली आपका कोविड वगैरह आपके पास रखिए। तो इस तरीके से आप भी बिना हैसल फ्री स्टिकर वीज़ा से आप छुटकारा पा सकते हैं। बस इसके लिए शर्त यह है कि आपके पास में इन इन कंट्रीज़ का एक्सपायर वीज़ा या फॉर वैलिड वीज़ा होना चाहिए। तो बस आपको समझ में आ गया कि दो तरीके से वीज़ा ले सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना भाई और वीडियो वगैरह शेयर कर देना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।